हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने ओप्पो वाले फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वैसे वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो वैसे देखिए, सबसे पहले जो हमारी मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं उसको हमें ओपन करना है। तो देखिए, हमें मोबाइल सेटिंग उसको हम ओपन कर देते हैं। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पे शो होगा। तो बस आप नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जैसे वहाँ पर आपको शो होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस शो होता होगा वॉलपेपर का ऑप्शन सबसे आखिरी में आएगा, यहाँ पर आपको शो होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर सिंपली देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ से कस्टम जो एल्बम से आपके जो वॉलपेपर होते हैं आपको लगाने हो तो आप यहाँ पे एल्बम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। तो किसी यहाँ पे आपको सिस्टम वॉलपेपर भी शो हो जाएंगे। तो किसी यहाँ से किसी भी वॉलपेपर का आप सिलेक्ट करके लगा सकते हो। तो किसी यहाँ से जैसे कि इसको ऐसे वॉलपेपर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद किसी यहाँ पर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद किसी यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो किसी यहाँ पर आपको शो होगा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन। तो कैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने जो हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होगा सिंपली चेंज हो जाएगा। तो कैसे देखिए, जो हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर हमारा चेंज हो चुका है। तो सिंपली हम पावर बटन को क्लिक करेंगे। पावर बटन को क्लिक करने जो हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अपने लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं अपने ओप्पो वाले फ़ोन में। तो कैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।